respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and studying at home properly. Students, today we will start second chapter of It So Happened, Children at Work, and written by Geeta Wolf, Anushka Ravi Shankar and Origius Sen. Students, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ये बच्चे काम क्यों करते हैं. काम का मीन्स यहाँ पे पैसे कमाने से है स्टूडेंट्स. अब पैसे कमाने के लिए जिस परिवार में कोई बड़े का सहारा नहीं होता तो उसमें बच्चे काम करते हैं, या फिर कुछ बच्चे घर से भाग जाते हैं तो वो अपनी जीविका कमाने के लिए काम करते हैं. ऐसे ही बच्चे की आज कहानी है बेलू, जो 11 ईयर्स ओल्ड है. बेलू घर में बहुत सारा काम करता है, बट उसके फादर एक ड्रंकर हैं जो उसके भाई बहन जितना भी कमाते हैं सारा उनसे छीन लेता है और उनकी शराब पी जाता है. तो इस और बाद में मारता भी है उन बच्चों को. तो इस मार से बचने के लिए बेलू अपने घर से भाग जाता है. स्टूडेंट्स, एक घंटे तक चलने के बाद वो कन्नूर पहुंचता है और वहां से कन्याकुमारी एक्सप्रेस पकड़कर चेन्नई पहुंच जाता है. स्टूडेंट्स, चेन्नई पहुंचकर वो जब रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो भूखा था, उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया था. कुली इधर से आ रहे हैं तो वो उसको उठने हटने के लिए कहते हैं, तो वो साइड हो जाता है. फिर वो बेंच पर बैठ जाता है. उसको शायद भूख लगी है. इससे पहले जब वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठा था तो उसने टिकट भी नहीं लिया था, क्योंकि उसके पास टिकट लेने के लिए पैसे नहीं थे. अब वो वहाँ ट्रेन में फर्श पर सोने की कोशिश करता है, परंतु जो पास में लोग बैठे हैं वो ताश खेल रहे हैं, इसलिए वो इतना शोर करते हैं कि बेलू सो नहीं पाता है. फॉर्चुनेटली उस अनरिजर्व कंपार्टमेंट में टिकट चेकर भी नहीं आया होता है, इसलिए वो आराम से सो, वो बिना टिकट ही आया था. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वो सुबह बेंच पर बैठा हुआ होता है तब आसपास के जो लोग हैं, आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं, उनके जो सूटकेस हैं वो बेलू से टकरा भी जाते हैं. वो देख रहा है कि कुछ लोग उसके पास ही बैठे हुए हैं और जो टीवी हैंग हुए हैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर उनको देख रहे हैं. कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आज तक बेलू ने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी. बेलू ऐसी भीड़ देख करके अपने गांव के मेले को याद करता है, क्योंकि उतनी भीड़ उसने सिर्फ अपने गांव के मेले में ही देखी थी. बेलू के पास एक बंडल होता है जिसमें एक टावल, एक कंघा और उसका एक कमीज होती है. अब जब वो बेंच पर बैठा हुआ होता है तभी एक उसी की उम्र की लड़की आकर के उससे आवाज वो उसको कहती है, ए इधर देखो. बेलू इधर उधर देखता है बट वो ऐसा सोचता है कि उसको कोई देख ही नहीं रहा है. फिर वो आवाज़ दोबारा आती है, ए इधर. बेलू पीछे देखता है तो उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी होती है और जो लड़की है उसके जो बाल हैं उसने वो कई दिन से कंघा नहीं किया है, वो अनकोम्ड है और वो ऐसा लगता है जैसे नाई भी नहीं है. बाल उसके भूरे थे और वो उसने एक बोरा लटकाए हुए थी अपने कमर पर जिसमें प्लास्टिक के कप्स और बोतल उठा रही थी और उठा उठा कर रख के अपने बोरे में डाल रही थी. कुछ देर बाद वो बेलू के पास बैठ जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो. बेलू कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहता है कि वो अपने पिताजी की मार से, डांट से, फटकार से बचने के लिए यहाँ भाग कर गया है. तभी बेलू वो समझ जाती है और वो कहती है कि अच्छा, क्या अमीर बनने आए हो, ऐसे बैठकर तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा. और फिर वो कहती है, चलो मैं तुम्हें खाना दिला सकती हूँ, क्योंकि बेलू ने पेट पकड़े हुए था, उसको बहुत तेज भूख लग रही थी. और वो लड़की वहाँ से चल देती है. जब वो वहाँ से चली जाती है तो बेलू सोचने लगता है, उसके मन में सवाल उठते हैं, मैं उस लड़की के पीछे जाऊँ या ना जाऊँ, क्या वो मेरी हेल्प करेगी, क्या वो मुझे खाना दिलाएगी. लड़की भीड़ में ओझल होने ही वाली होती है, तभी बेलू दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है.
अब जब लड़की के पास वो पहुंच जाता है तो वो दोनों बेलू रोड पर पहुंचते हैं, और रोड पर पहुंचने के बाद बेलू खड़ा हो जाता है क्योंकि उतना ट्रैफिक उसने आज तक कभी नहीं देखा। वो घबरा जाता है कि मैं रोड कैसे क्रॉस करूं। तभी वो लड़की उसको डांटते हुए कहती है, क्या गाय चराने आए हो? ऐसे खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बना देंगे लोग। और ऐसा उसका हाथ पकड़ करके रोड क्रॉस करा। देन स्टूडेंट्स वो रोड क्रॉस करके रोड के किनारे किनारे चलने लगते हैं। अब किनारे किनारे चलते चलते जब बेलू ऊपर उठा करके देख ऊपर सिर उठा करके देखता है तो उसको बड़े बड़े साइन बोर्ड्स दिखाई देते हैं। उन साइन बोर्ड्स पर इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था जो बेलू को समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो लड़की एक चौड़े से ब्रिज पर चढ़ जाती है और चलने लगती है, बेलू भी उसके पीछे चलने लगता है। और फिर जब बेलू चलते चलते नीचे रेलिंग से झुक कर देखता है तो उसको कुछ और रोड्स दिखाई देती हैं जो शहर में इधर उधर जा रही थी। फिर उसको बड़ी बड़ी इमारतें भी दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखाई देती हैं। तब वो एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो लड़की उससे कहती है, देखो अगर तुम सावधानी से नहीं चलोगे तो तुम जल्दी ही इस बिल्डिंग में पहुँच जाओगे। तब बेलू उसको ध्यान से पढ़ता है, उस पर लिखा हुआ था तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। तब बेलू कहता है कि मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया, फिर मैं वहाँ क्यों पहुँच जाऊँगा। लड़की कहती है, कोई अपराध करो या ना करो हमें सावधानी से चलना होगा, यहाँ अपराध की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर वो चलने लगते हैं। आखिर खाना था कितनी दूर, एक घंटे चलने के बाद वो एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। बड़ी बिल्डिंग में देखते हैं कि वहाँ पे एक शादी हो रही होती है, तो मैरिज हो रही होती है। तो फिर जो बहुत सी कारें उसके सामने खड़ी हुई थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, एक कार भी खड़ी हुई थी जो फूलों से सजी हुई थी। लड़की क्या करती है, उसमें से एक फूल उठाती है और अपने बालों में जल्दी से लगा लेती है। और फिर अब बेलू पूछता है कि क्या हम यहाँ खाना खाने आए हैं। तब लड़की उसका मजाक उड़ाती है और उसको उस बिल्डिंग के पीछे खींच कर ले जाती है। वहाँ पर एक बड़ा सा बिन रखा हुआ था जिसमें जो गार्बेज था वो ऊपर तक भरा हुआ था और बाहर भी निकल रहा था। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मक्खियाँ बिन बना रही थी और दो बकरियाँ वहाँ लड़ रही थी आपस में एक केले के छिलके के लिए। तब वो लड़की उसमें कुछ ढूंढने लगती है। बेलू ने पूछा, तुम इसमें क्या ढूंढ रही हो? और वो एक केला बेलू की तरफ उछाल देती है, बेलू को एक केला दे देती है। तब बेलू वो केला ले करके कहता है, क्या हम ये खाना खाने वाले हैं? क्या तुमने मुझे कुत्ता समझ रखा है? और फिर वो कहता है कि मैं कभी भी मैंने आज तक अनछुआ खाना ही खाया है। और वो फिर उस पर वो लड़की कहती है कि जब तक हमें पैसे नहीं मिलते, जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं, तब तक एक बड़ा और उछाल देती है उसके पास और फिर कहती है कि जब तक हमें ये खाना ही खाना पड़ेगा। और फिर उसमें से एक केला और उसे मिलता है जो वो उसे खुद खा जाती है। अब बेलू को बहुत तेज भूख लगी थी, वो ऐसा खाना खाना तो नहीं चाहता था, बट क्या करता, और कोई और उसे और कहीं खाना मिलने वाला नहीं था, इसलिए वो दोनों बड़ा और केला। तब जया कहती है कि अगर तुम्हें और खाना खाना है तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो शादी में लोग आ रहे हैं इन्होंने अभी नाश्ता ही किया है, खाना नहीं खाया है, जब तक इनका लंच नहीं होता जब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ऐसा कह करके वो अपना बोरा उठाती है और उसमें कूड़े में से वीन करके दो बोतल अपने बोरे में डाल लेती है और चल देती है। अब बेलू घबरा जाता है, वो सोचता है कि मुझे लड़के के साथ रहना ही उचित रहेगा और वो उसके पीछे चल देता है। और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो उसका नाम जया था। अब वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तो जया कहती है, तुम्हारी इच्छा। और फिर वो एक गंदे नाले के ऊपर से एक ब्रिज के ऊपर चलने लगते हैं। अब जया कहती है कि मुझे घर जाना है और घर से, क्योंकि मेरा जो ये बोरा है ये भर चुका है और दूसरा बोरा लेकर के आना है। तब वो बेलू भी उसके साथ चलने लगता है। वो दोनों चलते चलते एक झोपड़ियों के पास पहुँचते हैं तो बेलू उन्हें देख करके बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ऐसी झोपड़ियाँ उसने कभी नहीं देखी थी। वो टीन, प्लास्टिक और फूस इन सबसे बनी हुई थी और टायर से बनी हुई थी। तो उन बेलू ने ऐसी झोपड़ियाँ कभी नहीं देखी थी, उसके गांव में तो ईंट से और मिट्टी के घर बनाए जाते थे। अब बेलू पूछता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो? तो जया कोई जवाब नहीं देती है और वो बाहर अपना बोरा रख करके अंदर चली जाती है। अंदर जा करके एक बोरा लेके आती है और एक जोड़ी जूता जो बिना फीतों का था
वो बेलू को पहनने के लिए दे देती है और एक डंडा भी देती है। और बेलू को समझ नहीं आ रहा था कि जया आखिर उसे क्या काम कराना चाहती है। फिर बेलू ने पूछा कि तुम ये सब का क्या करती हो, तब वो कहती है कि मैं एक रैग पिकर हूँ और जब भी सामान उठा करके मैं लाती हूँ कूड़ा कचरा ये सब मैं जैम बाजार में रहता है उसको भेज देती हूँ और वो उसको उस सारे सामान को एक फैक्ट्री में रिसाइकलिंग होने के लिए भेज देता है। वेलू मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे रैग पिकर तो बनने नहीं आया था, परंतु उसको ये सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो घर से भाग के आया था और अपने जीविका कमाने के लिए उसको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। परंतु फिर भी वो मन में ये सोचता है वेलू कि ठीक है मैं इस रैग पिकिंग से कुछ पैसे कमाऊँगा और पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर अपने घर चला जाऊँगा। और जीविका कमाने के लिए उसने यही काम करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही दिल को छू देने वाली हार्ट टचिंग स्टोरी है। जब कभी भी आप रैग पिकर्स को देखो तो प्लीज़ उन पर हंसो नहीं, उनका मजाक मत बनाओ और उनके लिए मन में दया का भाव रखो। तो कहानी अब ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। स्टे होम, बी सेफ।